बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस के घर में आरती काफी सुलझी हुई, शांत और समझदार नजर आ रही है। शेफाली बग्गा ने आरती पर इतने पर्सनल कमेंट्स किए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, ना ही उनसे लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन अब आरती का अलग ही अवतार नजर आ रहा है, क्योंकि वो घर में लड़ती झगड़ती हुई नजर आई और उनका झगड़ा हो गया है घर में कोएना मित्रा के साथ। जी हाँ, दरअसल आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सना और आरती बातें कर रहे होते हैं कोएना को लेकर, कि कोई भी कोएना से पंगा नहीं लेना चाहेगा क्योंकि सब उनसे डरते हैं, वो एक रिस्पेक्टिव पर्सन है और घर में बड़ी हैं। लेकिन हाँ, मैं उनसे पंगा ले लूंगी क्योंकि वो नॉमिनेशन से बचने के लिए ही अच्छे से बात करती है, किसी के पास जाकर वो बात करती है, वरना वो एक ही पॉइंट को लेकर बैठी रहती है और अपना एटीट्यूड शो करती है। आरती की कही हुई बातें कोएना के पास पहुंचती हैं और कोएना फिर आरती से पूछती हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तो आरती कहती है कि मैंने सही ही बोला है, आप ऐसा ही करती हैं। आप सिद्धार्थ डे को लेकर आपका ओपिनियन अलग था, आपने पहले तो उन्हें नॉमिनेट कर दिया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आप चाहते थे कि आप नॉमिनेट ना हो और इसके लिए आप उनके पास जाकर ऐसी बातें करते हैं, उनके साथ आराम से बातें करते हैं और ये यही बात है, क्योंकि आपको पहले मौका मिला तो आपने उनको नॉमिनेट कर दिया और जब आपकी बारी आई तो आप चाहते कि आपको कोई नॉमिनेट ना करे। तो इस पर कोएना कहती है कि मेरा उसके साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है, अगर कोई मेरे पास आके माफी मांगे तो मैं उसे माफ भी ना करूं। और इस तरह से उनके बीच में झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि कोएना कहती है कि मैं किसी से भीख नहीं मांग रही, और ये बात आरती को काफी चुभ जाती है और वो ये कहती है कि मैंने किसी से भीख नहीं मांगी है, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, आपके दम पे नहीं आई हूँ मैं इस बिग बॉस के घर में, अपने दम पे आई हूँ। और यहाँ पर देवोलीना और बाकी लड़कियाँ आरती को शांत करती हुई नजर आती है। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बनी रही हमारे साथ।